Next one, another example based on array property. Case one, first case one, just one array declaration provide kiya character array s or we can say just a string s. Is case mein contents assign kiya a b c. Is case mein just a increment apply kiske liye hua s ke liye aur s ka type kya. Is case mein s is array name already main discuss kar chuka hu. Array name mein na hi assignment possible hota na hi array ke kisme increment ya decrement possible. Is case mein just raise kiya hua compile time error L value required. Raise क्या उस केस में compile time error L value required just because of that operation. Suppose अगर इस operations को आप remove कर दोगे, then ये program कैसा है just valid case में second increment कैसा है valid क्यों है increment apply किसके लिए हुआ S के लिए star S के लिए just star S. अगर इस केस में इसके output को check करें तो इस केस में just string create होगा S और S के अंदर total three characters initialize किए character A B C. प्रीवियस केस में इनिशियली एग्जांपल कैसा था जस्ट इनवैलिड केस लेकिन करंटली जैसे ही मैंने सेकंड स्टेटमेंट को रिमूव कर दिया नहीं कोड कैसा है वैलिड कोड तो इस वैलिड कोड के रिस्पेक्ट में जस्ट फाइंड आउट करें व्हाट इज द आउट ऑफ गिवन कोड. इस केस में एरे का नेम क्या है एस एड्रेस 100 है तो इस लोकेशन को नेम देंगे जैसे स्टार 100 स्टार 101 स्टार 102 एंड स्टार 103 एंड सो ऑन. फाइनली इस केस में जस्ट राइट डाउन किया हुआ है एक्सप्रेशन प्लस प्लस स्टार एस तो यहां इंक्रीमेंट किस में हो रहा है स्टार एस में प्री इंक्रीमेंट प्री और पोस्ट डजंट मैटर स्टार एस में एस के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे एस क्या इसे एरे का नेम और एरे नेम से रिप्लेस क्या हुआ एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस व्हिच इज 100 तो स्पेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा 100 100 ओनली फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. इस केस में इंक्रीमेंट किस में हुआ वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्योंकि स्टार 100 नेम किसका स्टार 100 इज द नेम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. जब इसमें इंक्रीमेंट कराओगे करंटली इस प्लेस पर फाउंड कर रहा ए और ए का आस्की वैल्यू क्या जस्ट 65. जब भी कैरेक्टर की पोजिशन में इंक्रीमेंट कराते हैं इंक्रीमेंट केस में हुआ आस्की वैल्यू में स्पेस पर न्यू आस्की वैल्यू क्या स्टोर हुआ जस्ट 66 व्हिच इज इक्विवेलेंट टू कैरेक्टर बी. तो फाइनल स्पेस पर फाउंड क्या हुआ बी. नेक्स्ट टाइम पोर्ट्स के थ्रू जस्ट डिस्प्ले कराएं तो डिस्प्ले कराने केस में एस के प्लेस पर क्या पास हुआ एस का बेस एड्रेस व्हिच इज 100 तो 100 ऑनवर्ड्स जस्ट डिस्प्ले क्या हो जाएगा बी बी सी. आउटपुट क्या है इस केस में बी बी सी जबकि इनिशियल केस में क्या था कंपाइल टाइम एरर. सेम इन दैट केस इस केस में अगेन एक एरे डिक्लेरेशन पॉइंट किया ए फर्स्ट वन इसे एक्सप्रेशन के अंदर मीन्स जस्ट आपको ये दोनों ही एक्सप्रेशन कॉन्सल्टेट करना वन बाई वन. इस केस में रेज क्या हो अगेन कंपाइल टाइम एरर्स वाई इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ ऑपरेटर्स कितने टू ऑपरेटर्स दोनों का ही टाइप क्या यूनरी दोनों यूनरी है तो इनका प्रायोरिटी कैसा हुआ सेम प्रायोरिटी सेम प्रायोरिटी यूनरी ऑपरेटर सॉल्व कैसे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो राइट टू लेफ्ट ए क्या है ऑपरेंड और ए के लिए फर्स्ट ऑपरेटर कौन सा अप्लाई हुआ स्टार. देन आप चेक कर सकते हैं लॉजिकली ये प्लस प्लस अप्लाई किसके लिए हो रहा है ए के लिए स्टार ए के लिए स्टार ए और स्टार ए मीन्स वैलिड लोकेशन क्लियर. सेकंड केस में बात करें अगेन दोनों के प्रायोरिटी कैसे सेम तो राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे बिकॉज ऑफ सेम प्रायोरिटी यूनरी ऑपरेटर सॉल्व बेस्ड ऑन एसोसिएटिविटी रूल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले चांस किसको मिलेगा प्लस प्लस को. तो प्लस प्लस के लिए फर्स्ट ऑपरेंड कौन है स्टार ए ओनली ए स्टार ए रियल में नेम किसका हुआ फर्स्ट एलिमेंट का क्लियर. स्टार ए इज अ नेम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. तो प्रीवियस केस में इंक्रीमेंट किस में हो रहा था जस्ट फर्स्ट एलिमेंट में. जब ये इंक्रीमेंट परफॉर्म हुआ तो इस प्लेस पर वैल्यू क्या हुआ जस्ट टू. लेकिन सेकंड केस में चेक कर सकते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट है लेकिन ये पोस्ट इंक्रीमेंट अप्लाई किसके लिए हो रहा है ए के लिए स्टार ए के लिए ए के लिए और अगेन ए क्या है इस केस में एरे नेम. तो इस केस में रेज क्या हुआ अगेन कंपाइल टाइम एरर सेम एरर मैसेज सेम एज प्रीवियस केस एल वैल्यू रिक्वायर्ड क्योंकि जब भी किसी पॉइंटर सॉरी जब भी किसी एरे में इंक्रीमेंट कराते हैं एरे में असाइनमेंट कराते हैं इसके इसमें रेज क्या होता है ऑलवेज कंपाइल टाइम एरर एल वैल्यू रिक्वायर्ड.